वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल दीप्ती ब्यूटी। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी व्हाट आई गॉट फ्रॉम सरोजनी नगर मार्केट। एंड यस, मैंने एक्सप्लोर वीडियो अपनी चैनल पे ऑलरेडी शेयर करा है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप वॉच कर सकते हैं। एंड यस, मैंने बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग स्टफ़ खरीदे हैं, वो भी बहुत ही अच्छे रीजनेबल और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे। तो मैंने वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ईजी आपको लेन बताई है जो आपको गाइड करेगा कि आप बहुत ही इजी वे में ग्रेफिटी लेन पे कैसे पहुंचे। एंड यस, मैंने शॉप्स को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करा। मैंने जो बाहर मोस्टली जो हैंगर्स वगैरह पे क्लोथिंग होते हैं जो चीपेस्ट रेट पे मिल जाते हैं आपको 50 रुपीज़ से 200 के अंडर जो मिल जाते हैं, मैंने वो ही ज़्यादा एक्सप्लोर करा है। मैंने शॉप्स नहीं करा, यस बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट टाइम टू शूट अ ब्लॉग एंड शॉपिंग ब्लॉग। एंड मुझे बहुत ज़्यादा ना नर्वस फील हो रहा था टू शूट, टू बी ऑनेस्ट। एंड वहाँ पे ना काफ़ी 2-3 शॉप वालों ने मुझे बोल दिया था कि यहाँ शूट मत करो, प्लीज़ अपना कैमरा बंद करो। और यार एकदम से ना कोई आ जाता था ना तो मुझे बहुत ज़्यादा नर्वस फील हो जाता था। तो यस, मैंने थोड़ा बहुत ही ज़्यादा डर डर के शूट करा था, बट यस आउटपुट बहुत अच्छा आया था तो मैंने अपलोड कर दिया। तो यस, आई एम गोइंग टू शो व्हाट आई गॉट फ्रॉम सरोजनी नगर मार्केट। एंड यस, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। फ्यूचर में मैं विंटर कलेक्शन के लिए भी जाऊंगी एक बार मार्केट, तो मैं वो भी आपके साथ वीडियो जल्दी से जल्दी शेयर करने की कोशिश करूंगी। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट थिंग व्हाट आई गॉट फ्रॉम मार्केट, दिस इज उल्टी है सॉरी, दिस इज स्कर्ट। और ये यार इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैं साइड में फुटेज दे दूंगी तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। अगर मैं बताऊँ तो ये जस्ट लेडी के जो नीचे है टेंपल के जो बिल्कुल लेफ्ट में लेनी स्टार्ट होती है, जहाँ पे मेकअप वगैरह के प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे ट्रेंडी जो टॉप्स हैं वो भी बहुत अच्छे वहाँ पे मिलते हैं। मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा, बहुत ही अच्छी कलेक्शन आई हुई है इस टाइम। तो ये स्कर्ट मुझे मिला 100 रुपीज़ में और इसकी जो लेंथ है बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये फुल लेंथ की स्कर्ट है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये स्ट्रेची मटेरियल में नहीं है, बहुत ज़्यादा थोड़ी सी लूज है मेरे को, बट मैं इसे टाइट करा लूँगी। बट इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एंड फॉर द 100 रुपीज़ इट इज़ लाइक रियली गुड। और आई एम नॉट इन टू स्कर्ट सो मच, बट इतनी ज़्यादा अच्छी लेंथ पर मिल रही थी तो 100 रुपीज़ में मैंने सोचा कि ठीक है इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा। सो फर्स्ट थिंग आई गॉट दिस स्कर्ट फ्रॉम जस्ट लेडी की जो नीचे वाले जो एक्सप्लोर हैंगर्स जो होते हैं वहाँ से मुझे ये मिला। सो सबसे पहले जो है मैं बॉटम आपको दिखा देती हूँ कि मैं बॉटम के लिए क्या क्या लेके आई हूँ, और उसके बाद मैं आपको टॉप्स दिखा दूंगी, उसके बाद मैं एक्सेसरीज लास्ट में आपको दिखा दूंगी कि मैं एक्सेसरीज में क्या लाई हूँ, ताकि आपको किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न ना हो और बहुत रैंडम ना लगे कि मैंने कहीं से भी कुछ भी उठा लिया। एंड इफ़ यू वॉन्ट आप ऐसे ऐसे करके ड्रैग भी कर सकते हैं वीडियो को आगे पीछे करके टाइम लाइन के अकॉर्डिंग, बट ऐसा मत करना, अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है, तो आप डायरेक्ट मत जाना, पूरी वीडियो देखना ख़त्म होने तक, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा और बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में प्रोडक्ट्स बाय करे हैं। तो जो अनदर थिंग व्हाट आई गॉट इज़ दिस जैगिंग, और ये जीन्स की क्वालिटी की है और इसका जो मटेरियल है सो गुड एंड आई गॉट इट फॉर 100 रुपीज़। एंड सबसे बेस्ट पार्ट जो है इसका, इसमें पॉकेट है, आई थिंक पॉकेट जो होती है ना पॉकेट बॉटम में, वो तो गर्ल्स की बेस्ट फ्रेंड ही हो जाती है। तो ये जो है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड सरोजनी नगर की मार्केट में मेक श्योर क्योंकि वहाँ पे कोई ट्रायल रूम नहीं होता, तो मेक श्योर कि जो मटेरियल हो बॉटम का वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल हो, क्योंकि जो मोस्टली जो गर्ल्स होती हैं उनका जो ये वाला मेथड होता है नेक से मेजर करने वाला वो वर्क नहीं करती। मेरी जो वेस्ट लाइन है वो थोड़ी यू नो स्मॉल है अकॉर्डिंग टू माई बॉटम, तो बॉटम के अकॉर्डिंग मेरी जो वेस्ट लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, तो वो मेथड मेरे लिए बिल्कुल भी वर्क नहीं करता। बट इसका जो मटेरियल है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है। तो यस, मैं ये लाई हूँ 100 रुपीज़ में। इसी के साथ सेम जो है वो मैं लाई हूँ दिस, इसकी जो क्वालिटी है 100 रुपीज़ की बिल्कुल भी नहीं लगती है। इसमें भी ये भी सेम जैगिंग है, इसमें कोई वो जिप वाला कोई भी वो नहीं है, बट इट ऑल्सो हैज़ पॉकेट्स, बहुत अच्छा लगता है। और इसके बैक में भी पॉकेट है, उस वाले के बैक में इतनी ज़्यादा पॉकेट नहीं है, तो इसके अंदर प्रॉपर बिल्कुल पॉकेट है और यहाँ पे जो है बटन है, तो ये बिल्कुल पहनने में बिल्कुल जीन्स जैसी लगती है, बिल्कुल भी नहीं लगती कि आपने जैगिंग वेयर कर रखी है। एंड साइड बाय साइड मैं आपको फुटेज दे दूँगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये फुल लेंथ में किस तरह से दिखेंगे।
तो आई थिंक ये इसकी क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं अगर ऑन कैमरा, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आई थिंक 100 रुपीज़ में इस तरह की क्वालिटी मिलना इज़ लाइक वेरी रैंडम। एंड सरोजनी का बेस्ट पार्ट यही है कि आपको बहुत ही ज़्यादा रैंडम प्राइस पे रैंडम स्टफ़ मिल जाते हैं जो अमेजिंग क्वालिटी के निकलते हैं। तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ सरोजनी नगर, इसलिए बहुत ज़्यादा दूर दूर से लोग एक्सप्लोर करने आते हैं सरोजनी नगर। सो यस, और हमारा बॉटम जो है वो बिल्कुल फिनिश हो गया है, बढ़ते हैं टॉप्स की तरफ। सो सरोजनी से मैं 4 टॉप लाई हूँ। सो फर्स्ट इज दिस, और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडी चल रहा था इंस्टाग्राम वगैरह पे। इसका जो प्राइस है ऑनलाइन इट इज़ समवेयर अराउंड 250-300, आई डोंट नो, बट ये 100 रुपीज़ में मैं लेके आई हूँ। और इसका शॉप नंबर प्लीज़ मत पूछना कमेंट में, क्योंकि मैं बता ही नहीं पाऊँगी। मैंने बाहर से लिया था, जो बाहर शॉप्स के मोस्टली जो रैक होते हैं, जो सर्कल सर्कल राउंड में जो होते हैं ना, मैंने वहीं से जो है वो टॉप लिए थे। एंड मैंने जो मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद ये टॉप लिए थे। तो फर्स्ट टॉप इज़ दिस, एंड ये आपको मार्केट में बहुत सारी जगह मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही शॉप में। आपको बता दूँ, ओवरऑल मार्केट में इस तरह के ट्रेंडी टॉप बहुत सारी शॉप्स पे अवेलेबल है। आई थिंक इसका थोड़ा सा यहाँ पे जो है इलास्टिक थोड़ी सी लूज है, बस इसकी यही प्रॉब्लम है। इसलिए आई थिंक ये मुझे बहुत ज़्यादा 100 रुपीज़ में बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज पे मिल गया, बट इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एज यू कैन सी, मैं इसकी फुटेज नहीं दिखाऊंगी, मैं इसको आपको मैं ऐसे ही शो कर दूंगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा बॉडी हगिंग टॉप है, अगर आप बहुत ज़्यादा चबी हैं तो भी आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। एंड यस, मुझे इसकी स्लीव्स वगैरह बहुत अच्छी लगी। एंड यस, विंटर्स आ रही हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जल्दी से जल्दी चले जाएं, क्योंकि ये वाली कलेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा फिनिश हो जाएगी और नेक्स्ट कोई ट्रेंडी कलेक्शन आ जाएगी, तो मेक श्योर कि आप ले लें। तो दिस इज़ द फर्स्ट टॉप दैट आई गॉट फ्रॉम सरोजनी नगर। अनदर टॉप आई गॉट इज दिस। दिस इज़ द सेम पैटर्न जो है, मोस्टली जो टॉप्स हैं वो इस तरह के ट्रेंडी बहुत चल रहे हैं, जो आपकी वेस्ट लाइन पे बिल्कुल ऐसे क्या बोलते हैं, आपको एक फिगर दे देते हैं, बहुत ज़्यादा सिंच इन कर देते हैं आपको। तो इस तरह के जो टॉप हैं वो मैंने बाय करे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर आप हाई वेस्ट पैंट पहनते हैं ना, उस पर ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और यहाँ से जो है ये इसके जो आगे का पार्ट है, इसमें जो है इस तरह का डिटेलिंग दी हुई है, तो ये एक तरह से बेल्ट जैसा लगता है कि आपने एक बेल्ट लगा रखी है। एंड इसकी जो स्लीव्स हैं, अगेन ये बहुत ज़्यादा पफी टाइप की है। एंड इसका कलर भी बहुत अच्छा है, पेस्टल ग्रीन प्लस इसमें से स्ट्राइप दे रखी है, तो ये थोड़ा सा एनिमल प्रिंट काइंड ऑफ लुक देता है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा है। एंड मैं कितने में लाई हूँ, ये मैं लाई हूँ सिर्फ और सिर्फ 80 रुपीज़ में। 80 रुपीज़ में, वाह। इसके साथ में एक ड्रेस भी लाई हूँ, तो वहाँ पे रैक था, उसमें ड्रेस और इस तरह के टॉप और थोड़े बहुत ना बॉटम के भी थे। तो मुझे ये और एक जो ड्रेस लाई हूँ, मैं लेटर आपको सारे टॉप्स जब है ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद मैं वो ड्रेस दिखाऊंगी कि मैं इसके साथ क्या लाई हूँ। तो ये अलोन 80 रुपीज़ में मिल रहा था, बट अगर आप 2 पीसेस बाय करते हैं, 2 पीसेस ओनली, तो आपको जो है 150 में आपको 2 दे देते हैं वो। तो मैंने ये टॉप लिया। अनदर टॉप आई गॉट इज दिस, और यार ये इतना प्रिटी है, इतना प्यारा लगता है। एंड आप अगर उस तरह की जो पैंट्स होती है जो आजकल चल रही है, फ्लेयर जीन्स वगैरह, उस पर जब पहनेंगे इस तरह के टॉप, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। समर फ्रेंडली टॉप है ये, विंटर्स के लिए तो नहीं है, बट इस पर आप अगर विंटर में बहुत अच्छे वॉर्म श्रग वगैरह डालेंगे तो भी ये बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, इसमें ऐसे लेयर्स आपको मिल जाएंगी। तो ये टॉप मैंने बाय करा था, और दिस वन आई गॉट फॉर 150, आई गेस 150 मैंने इसके लिए पे करे थे। आई थिंक 150 में बहुत अच्छी डील पे आपको मिल जाता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई भी डिफॉल्ट नहीं था। तो ये अनदर टॉप दैट आई गॉट फ्रॉम सरोजनी इज दिस वन। दिस इज इन द एनिमल प्रिंट, और इसमें चेन की ऐसी पूरी डिटेलिंग दी गई है। आई थिंक ये बैक साइड है, इसमें कोई टैग नहीं है, जिसकी वजह से मैं आपको बता सकूँ कि इसकी फ्रंट और बैक कौन सी है, बट आई वुड लाइक टू वेयर इट लाइक दिस। इसका जो जिपर साइड है, ये से मैं बैक की तरह पहनूंगी, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये भी अगेन ये भी उसी मटेरियल का है जो आपके टमी एरिया को एकदम सिंच इन कर देता है, और बहुत अच्छा आपका ऐसा लुक आता है इसमें। सो दिस एंड दिस वन आई गॉट फ्रॉम सेम शॉप, तो ये दोनों मुझे 150 के मिले थे, तो ये दोनों मैंने एक साथ बाय करे थे फॉर 300 रुपीज़। अनदर टॉप आई गॉट फ्रॉम सरोजनी, ऑब्वियसली
तो मैं इस तरह का टॉप लेके आई हूँ। इसकी जो नेक लाइन है वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है एंड ये पैडेड है और ये सिर्फ और सिर्फ मुझे मिला है 100 रुपीज में। आई नो बहुत ज्यादा क्रेजी है क्योंकि इस तरह के जो टॉप होते हैं जो पैडेड होते हैं और बहुत अच्छे मटेरियल में, दिस इज लाइक सो गुड और बहुत ही अच्छा और स्ट्रेची मटेरियल है इसका। एंड और ट्रेंड ही होते हैं कि आप इसे किसी भी तरह से आप इसे इन्हें स्टाइल कर सकते हैं, तो आई थिंक इस तरह के टॉप जो है वो आपके वार्डरोब में ज़रूर होने चाहिए। एंड ये मुझे 100 रुपीज़ का इसलिए मिला, मैं बताती हूँ आपको रीज़न। इसके पीछे जो वो है जिपर है इनका थोड़ा ख़राब है और शॉप में बता सकती हूँ जहाँ से मैंने बकेट हैट खरीदी थी वो उसी लेन में मैंने आपको 50 रुपीज़ के ब्लेजर वगैरह शेयर कर रखे हैं, जहाँ पे 50 रुपीज़ में ब्लेजर्स वगैरह मिल रहे थे, ट्रेंच कोट मिल रहे थे, तो उसी शॉप पे 100 रुपीज़ की जीन्स भी मिल रही थी और वहाँ से मैं यही जीन्स जो जेगिंग्स है वो लेके आई हूँ और यही जो टॉप है वो भी मैंने वहाँ से लिया था, तो वो 200 कुछ का दे रहे थे बट इसमें जिप की थोड़ी प्रॉब्लम थी तो मैंने उनसे बोला, मैंने कन्विंस करा तो उन्होंने बोला 150। मैंने कहा नहीं भैया 150 तो मतलब कुछ है ही नहीं, कम तो कराएंगे, तो उन्होंने कन्विंस करते करते मुझे ऐसे 100 रुपीज़ में दे दिया। तो यस मैं ये 100 रुपीज़ में लिया, आई थिंक इट्स अ स्मार्ट डील क्योंकि जिप तो आप यूं ही कनेक्ट कर सकते हैं आप घर पे भी, तो ये बहुत अच्छा है, बहुत पैडेड है और इसके अंडरनीथ आपको पहनने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि यू डोंट हैव टू बी वरीड के इसके अंडरनीथ किस टाइप की ब्रा पहने, क्योंकि ये अलग ही टाइप की टेंशंस होती हैं लड़की के लिए कि टॉप से ले लिया उसके लिए मैचिंग और एडजस्टेबल जो है वो ब्रा अलग से खरीदनी पड़ती है, तो आई थिंक इट्स अ स्मार्ट डील फॉर 100 रुपीज़ एक पैडेड टॉप के लिए। सो वी हैव फिनिश्ड आर टॉप कलेक्शन। मैं बहुत ज़्यादा वाली भारी भरकम वाली मैंने शॉपिंग नहीं करी है, तो मैं दिखा देती हूँ। मैं 2 ड्रेसेस लाई हूँ सरोजनी से एंड बोथ आर 4 रुपीज़ 80 रुपीज़ ईच, मैंने 80 रुपीज़ के लिए है। फर्स्ट वन मैं आपको दिखा देती हूँ, जो ग्रीन कलर का जो टॉप था उसके साथ जो मुझे 150 में 2 जो दे रहे थे वो भैया, तो उसके साथ में किस तरह की ड्रेस लाई हूँ, यू आर गोइंग टू बी शॉक लाइक 80 रुपीज़ में, मतलब 80 रुपीज़ नहीं 75 पड़ेगा ना, 150 का आप डिवाइड करेंगे तो मैं लाई हूँ इस तरह की ड्रेस। आई नो ये बहुत छोटी लग रही है बट ये सेम वही स्ट्रेची मटेरियल में है और ये बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है एंड इसकी जो लेंथ है बहुत ज़्यादा लंबी है एंड बेस्ट पार्ट इज़ ये हाई लो ड्रेस है एंड आई एम दैट गर्ल कि जो अपनी लेग्स को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, इसलिए मैं ड्रेसेस वेयर करना पसंद नहीं करती हूँ। आप इसे नॉर्मल पार्टी वगैरह में भी पहन सकते हैं, डे पार्टी में पहन सकते हैं, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। फॉर प्राइस ऑफ 75 रुपीज़ आप क्या ही लोगे, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी एक सिलाई तक नहीं निकली हुई, तो 75 रुपीज़ में इट्स अ स्मार्ट डील। लाइक आपको 100 रुपीज़ में 80 रुपीज़ में इस तरह की बड़ी बड़ी जो मैक्सी ड्रेसेस है वो मिल जाएंगी। आई डोंट नो ये थोड़ा सा वुलन में है तो ये एंड ये थोड़ा स्ट्रेचेबल है तो आपको अच्छी तरह से बॉडी हग कर देता है, इस तरह का जो मटेरियल होता है आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको इन फ्यूचर कभी लेना हो तो। इस तरह के ऐसे स्ट्राइप्स में इसका पैटर्न है वुलन में और ये अच्छी तरह से बॉडी हगिंग आपको ऐसे पैटर्न देता है और ये भी मैंने 80 रुपीज़ में लिया था एज आई टोल्ड यू। दिस इज़ द एंड ऑफ द क्लोथिंग हॉल, सो यही था जो भी मैं सरोजनी नगर से लाई थी। नाउ मूव ऑन टू एक्सेसरीज, एक्सेसरीज में बहुत अच्छी डील्स लेके आई हूँ। सो एक्सेसरीज में सबसे पहले मैं आपको शो कर रही हूँ जो मैंने वेयर कर रखे हैं, दीज इयररिंग्स एंड ये वाइट में है और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड दीज आर फॉर 30 रुपीज़। तो मैं आपको आइडिया दे देती हूँ, जो बहुत ज़्यादा बड़े एंड शादी जो फ्रेंडली होते हैं, शादी फ्रेंडली ऐसा कोई वर्ड होता है आई डोंट नो, बट जो शादी टाइप के जो इयररिंग्स होते हैं जो बहुत बड़ी पार्टी इवेंट्स में पहनते हैं वो आपको मिलेंगे 100 to 300 के अराउंड। इस तरह आपके आपको डेली वेयर इयररिंग्स पहनने हैं तो ये आपको 30 to 50 में ही मिल जाएंगे, 50 रुपीज़ के अबव बिल्कुल मत जाना। कोमल पांडे टाइप के जो इंस्टाग्राम में बहुत हैवी बीडेड इयररिंग्स पहनती हैं वो भी 30-50 रुपीज़ में आपको इजीली मिल जाएंगे मार्केट में, तो आप ज़रूर चेकआउट करें। तो इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड सेम शॉप से मैंने बाय करे हैं दीज हुक्स और ये भी सेम जो है इसी क्वालिटी के हैं, ये भी थोड़े से हैवी हैं बट इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये भी मैंने 30 रुपीज़ में लिए थे तो 60 रुपीज़ में मैंने दोनों इयररिंग्स ले ली हैं। अनदर इयररिंग्स आई गॉट इज दिस वन, दिस इज़ लाइक सो कूल, इसका जो पैटर्न है वो बहुत अच्छा है, ये 50 रुपीज़ में मिले थे। आई थिंक इंस्टाग्राम स्टोर वगैरह बहुत अच्छे प्राइस पे इनको देते हैं
जो बहुत ज़्यादा पॉकेट में आपको ऐसे स्लैप कर रहते हैं और बहुत ज़्यादा चार्जेस लेते हैं और ये मुझे 50 रुपीज़ मिले, बट मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं लिया। आई वॉज सो शॉक कि अरे कोमल पांडे वाले इयरिंग्स, और मैं ऐसे पागल हो गई थी। बट इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी और नॉट, बट यहाँ से ना इसके बीट्स वगैरह जो निकले हुए हैं और इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा यू नो थोड़ी चीप है। तो इसके ऑल्सो जो आई थिंक जो ऑल बीट्स आई थिंक ये वो गिरने के कगार पे हैं, तो ये मैंने नहीं देखा। आई हैड टू यू नो चेक इट बिफोर बाइंग, बट मैं बहुत ज़्यादा मैंने लिए मतलब वो बहुत ज़्यादा मैं कैमरे से शूट भी करी थी और उन्होंने कैच कर लिया था और उन्होंने बोला कि कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो। टू बी फ्रैंक मैं इतना ना नर्वस हो गई थी, तो मैंने उनसे बोला नहीं भैया मैं खाली शूट नहीं करी, मैं ले भी लूँगी आपसे, तो मैंने जल्दबाजी में ये ले लिया उनसे। तो मुझे थोड़ा सा रिग्रेट फील हो रहा है, बट आई थिंक ये दूर से बिल्कुल भी नहीं पता चलेंगे, हेयर के बीच इजीली कवर हो जाएंगे, तो आई थिंक ये ठीक है 50 रुपीज़ में। बट जब मैंने बगल वाली आंटी को देखा इस तरह के सेम इयरिंग्स सेल करते हुए और बहुत बड़े बड़े चंकी नेकलेस वो दे रही थी सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ में 4 पीसेस, यही सेम इयरिंग्स वो दे रही थी 25 रुपीज़ में, तो तब तक मैं ये बाय कर चुकी थी एंड आई वॉज रिग्रेटिंग इट सो मच, क्योंकि वो सेम क्वालिटी में है और ये बिल्कुल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। आई थिंक ये उससे ज़्यादा अच्छे हैं, और वो आंटी ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी, फिर भी मैं शूट करने में इतना ज़्यादा बिजी थी कि मैंने सुना ही नहीं कि वो 100 में फोर दे रही है। आई थॉट कि वो 100 रुपीज़ में दे रही है और ये भैया 50 में दे रहे हैं, तो सत्यानाश हो गया। बट ये सिंगल भी आपको 25 में दे देंगी और 100 में आप 4 लेना चाहे तो 4 भी ले सकते हैं, 50 में 2 भी ले सकते हैं, दैट्स अप ऑन यू। सो यस दिस इज फॉर दिस वन आई गॉट फॉर 100 रुपीज़, आई थिंक नहीं 25 रुपीज़, तो ये बहुत ज़्यादा क्यूट है। आई थिंक नेक्स्ट थिंग आई गॉट इज दिस मास्क चेन, और इंस्टाग्राम पे इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स थे जो मास्क चेन लगा के यू नो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी और बहुत अच्छी आ रही है, कूल काइंड ऑफ वाइब दे रहे थे, तो आई वॉज यू नो सो क्यूरियस कि यार ये कितना अच्छा लगता है, कितना कूल है, बहुत ज़्यादा यू नो आपको ऐसे मास्क लगा के ओवरऑल जो लुक होता है कितना ज़्यादा डल हो जाता है, बट उसको रिवाइव करने के लिए आप इस तरह की चेन बाय कर सकते हैं। और यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ ईच जो मास्क चेन है ये मैंने 60 और 80, आई थिंक मैंने ये 70 रुपीज़ में ईच ली थी। बड़ी है बट ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, आई डोंट नो पता नहीं किस मटेरियल की है, बट ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, तो आप ऐसा सोचना मत ऐसा अटैच करके ना बिल्कुल ज़्यादा हैवी वाला फीलिंग नहीं आएगा आपको, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू लुक सो कूल, आप देख सकते हैं। सो यस आप मॉल के जस्ट अपोजिट में लेन में जाएंगे, बिल्कुल हल्दीराम्स के बिल्कुल जो सीधी में लेन पड़ती है वहाँ पे हेडबैंड्स की इतनी सारी वैरायटी है, तो वो 50 to 100 रुपीज़ में, और स्क्रंचेस जो है वो आपको 25 रुपीज़ में आपको दे देते हैं। एंड उनके पास सिर्फ और सिर्फ हेडबैंड्स की थी कलेक्शन, अगर आपको हेडबैंड्स का बहुत ज़्यादा शौक है तो आप कर सकते हैं, तो इस तरह के हेडबैंड्स लेने हैं तो भी आप ले सकते हैं। ये मुझे पड़ा था 15 रुपीज़ में एंड आई थिंक इट्स क्यूट, क्योंकि 15 रुपीज़ में अच्छा है, प्लास्टिक मटेरियल में है एंड इट इज़ लुकिंग सो गुड ऑन दिस ड्रेस ऑल्सो, तो ये मुझे 15 रुपीज़ में पड़ा था। अदर हेडबैंड आई गॉट फ्रॉम द सेम शॉप इज दिस वन, मेकअप वाला जो हेडबैंड होता है ये वो है, ऑनलाइन आपको ये 200 समथिंग अराउंड में मिल जाएगा, बट वहाँ पे वो उन्होंने मुझे दिया है ये सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ में। आई थिंक इसकी जो क्वालिटी के अकॉर्डिंग इसका प्राइस है वो सही है, बहुत रीजनेबल है। लास्ट जो थिंग मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इज दिस बकेट हैट, एंड यस मैं बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा प्लान कर रही थी बकेट हैट बाय करने के लिए, बट यू नो ऑनलाइन जब आ जाती है चीज़ें तो बहुत ज़्यादा कभी कभी रिग्रेट फील होता है, बट ये जो बकेट हैट है ये मुझे सिर्फ और सिर्फ उन्होंने 150 रुपीज़ में दे दी थी, बहुत ज़्यादा आनाकानी करने के बाद, वो उन्होंने बोला था 200 रुपीज़, बट आई वॉज लाइक 200 बोला 150 ले जाऊँ, तो मुझे 150 में मिल गई थी, स्टोरी का जो एंड है वो 150 रुपीज़ में मुझे ये मिल गई थी। तो इस तरह की जो हैट है उनका बेसिक जो प्राइस है वो 200 रुपीज़ है, बट आई थिंक ब्लैक जो हैट है वो स्टार्टिंग के लिए आपके लिए सही है कि आपके पे सूट करती है कि नहीं करती है, सो यस ये मुझे अच्छी लगी, बट आई डोंट थिंक इसका जो मटेरियल है यहाँ से थोड़ा सॉफ्ट नहीं है, स्टर्डी है, तो ऐसे यू नो उठा उठा रहता है, आई डोंट नो पता नहीं मुझ पर कैसी लग रही है, प्लीज़ कमेंट डाउन करके बताना कि यह कैसी लग रही है। So yes,
आई गॉट दिस फॉर 150 रुपीज़। लास्टली आई गॉट दिस पेयर ऑफ सैंडल्स, ये मस्टर्ड में है। एंड इस तरह के जो ब्लॉक हील्स है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है, आप इसमें बहुत सारे डिफरेंट कलर्स भी मिल जाएंगे आपको। एंड ये मैंने शॉप से ख़रीदा है, शॉप जो नंबर है मुझे नहीं पता अगेन। तो ये था जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी शॉप वाली जो शॉप थी, आई थिंक अरोरा स्टोर करके था, उस पर मैं वीडियो में दिखा दूँगी आपको फुटेज क्लिप, तो वहाँ से मैंने लिया है। तो इसमें आपको अलग अलग कलर भी मिल जाएंगे, बट आई गॉट इट इन मस्टर्ड कलर। सो येस, दैट वॉज इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। नेक्स्ट हॉल में विंटर कलेक्शन पे करूँगी, एंड उससे पहले मैं मेकअप जो वीडियो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। आई गॉट बंच ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम सरोजिनी नगर, एंड अभी तक मैंने उन्हें ट्राई आउट नहीं करा। मैं ऑथेंटिक आपको रिएक्शन देना चाहती हूँ कि यस, मैं उन प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचती हूँ। अगर आपको वो वीडियो चाहिए, विंटर कलेक्शन वगैरह की जो वीडियो है आपको, और सरोजिनी नगर के हॉल चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करना। एंड आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी इस हॉल की, प्लीज़ मेक श्योर कि आप कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड यस, मंडे को ज़्यादा आपको चीप रेट पे मिल जाएंगे प्रोडक्ट, एंड स्टॉल थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती है। नेक्स्ट वीडियो आप बता सकते हैं मैं किस तरह का हॉल आपके साथ शेयर करूँ, किस तरह का कलेक्शन आप देखना चाहेंगे। एंड इफ़ यू वांट कि मैं और ज़्यादा एक्सप्लोर करूँ सरोजिनी नगर मार्केट, सो यस प्लीज़ कमेंट डाउन। एंड यस, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।